हेलो एवरीवन, मेरा नाम शिवेश शुक्ला है और मैं पार्टनर हूँ आईसीआईसीआई डायरेक्ट के साथ। तो ये वीडियो मैंने बेसिकली ये बताने के लिए बनाया है कि सेबी का नया मार्जिन रूल अप्लाई हो रहा है 1 मार्च से, जिसमें उन्होंने अपना जो है मार्जिन बढ़ा दिया है। अभी जो इंट्राडे में मार्जिन लगता था, लेकिन साथ ही साथ जो आईसीआईसी में आपका इक्विटी डेरिवेटिव के लिए मार्जिन लगता था, उसको इन्होंने रिड्यूस भी किया है। ठीक है, तो जो मार्जिन घटाया है उसके बारे में बाद में बताऊंगा, पहले जो बढ़ा है इंट्राडे में उसके बारे में बताते हैं। तो बेसिकली हुआ क्या है कि अभी तक में जितना मार्जिन लगता था, 1/4 मार्जिन लगता था अभी तक कैश और फ्यूचर ऑप्शन दोनों में, अब उन्होंने उसको घटाकर 50% कर दिया है। इसका मतलब ये है कि अगर आप 2 लाख का आपको ट्रेडिंग करना है तो आपको 1 लाख का डिपॉजिट करना पड़ेगा किसमें, फ्यूचर ऑप्शन में, और आपको 10 टाइम्स मार्जिन मिलेगी कैश में। पहले 20 टाइम्स थी, अब 10 टाइम्स हो गई है। तो यहाँ पर है, देखिए एक एग्जांपल के रूप में बताया इधर पे, जो हम मार्जिन में बाई करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी। तो सपोज़ करिए आप निफ्टी का कॉल ऑप्शन बाई करते हैं 14,750 का, जिसकी वैल्यू 100 रुपये है। तो अभी तक आपको कितना देना पड़ता था अगर आप इसमें मार्जिन ट्रेडिंग करते थे इंट्राडे वाली, तो 1,875 रुपये लगते थे। अब आपको इसमें 3,750 रुपये देना है, मतलब पूरा 50% देना पड़ेगा। 50% ऐसे कि 14,750 की कॉल अगर 100 रुपये चल रही है तो उसका वैल्यू आएगा 7,500 रुपये। तो आपको 7,500 की जगह 1,800 देने पड़ते थे इंट्राडे में बाई के लिए, पर अब आपको 3,750 रुपये देने पड़ेंगे 1 मार्च से। वहीं जहाँ पे आप सेल करते थे, सेल में भी मार्जिन थोड़ा सा बढ़ गया है, थोड़ा क्या, बहुत ही बढ़ गया है। निफ्टी का जब आप 14,750 की कॉल ऑप्शन सेल करते थे, तब आपको इंट्राडे में 40,000 के समथिंग का मार्जिन लगता था, जो कि अब बढ़ा के 80,000 का हो गया है, सीधा सीधा डबल हो गया है। वहीं बैंक निफ्टी में जो आपको 42,000 का लगता था, वही 84,000 का हो गया है। ठीक है, तो ये हो गई ऑप्शंस की बात। अभी यहाँ पे देखते हैं कि कैश की बात, कैश में क्या है। ठीक है, कैश में आपको 10% देना है, सॉरी आपको 10% तो देना ही पड़ेगा, मतलब 100 रुपये की चीज़ है तो आपको 10 रुपये उसमें देना ही पड़ेगा। और निफ्टी में भी जो भी, मतलब जिनका भी 3% 5% लगता था, सबका बढ़ा के 10% हो गया है, और जो जिनका 10% से ऊपर था वो तो उतना ही है। ठीक है, तो यहाँ पे इतना ही बेसिकली, ज़्यादा कुछ है नहीं। कैश कैश में आपको 10 टाइम्स ही मार्जिन मिलेगी अब, और फ्यूचर ऑप्शन में आपको 50% मार्जिन देना पड़ेगा। ठीक है, अभी देखते हैं कि मार्जिन घटाया क्या है, मार्जिन रिड्यूस कहाँ पे हुआ है। ये उनके लिए बेनिफिट बेनिफिट है जो कि होल्डिंग में काम करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, अगर आप फ्यूचर 1 लॉट फ्यूचर में करते थे निफ्टी के, तो जहाँ निफ्टी 1 लॉट फ्यूचर में आपको लगता था 1,80,000, वहीं अब आपको 1,66,000 में ये हो जाएगा निफ्टी का फ्यूचर। बैंक निफ्टी फ्यूचर जहाँ पे आपको लगता था 1,97,000, वहीं आपका अब ये 1,87,000 में हो जाएगा। निफ्टी की कॉल ऑप्शन जब आप सेल करते थे, 15,400 की कॉल ऑप्शन मान लीजिए आप सेल कर रहे हैं, तो वहाँ पे 1,53,000 लगता था, तो वही अब आपका रिड्यूस होके 1,44,000 ही लगेगा। ठीक है, अब ये स्ट्रेटजीज की हैं। अगर आप बियर कॉल स्प्रेड बनाते हैं, मतलब आप एटीएम को सेल करते हैं और ओटीएम को बाई करते हैं, तब जहाँ पे आपका 56,300 का मार्जिन लगता था, वहाँ पे अब आपका सिर्फ 45,500 रुपये का मार्जिन लगेगा। ये नए रूल के 1 मार्च से ये आपके में हो जाएगा सबके में, मतलब कि मार्जिन करीब करीब 10,000 से इन्होंने यहाँ पे घटा दिया है। शॉर्ट स्ट्रेडल मतलब यहाँ पे ये तो हेज वाली है, एक कॉल सेल और एक कॉल बाई। अगर आप शॉर्ट स्ट्रेडल बनाते हैं, मतलब दोनों साइड सेल करते हैं, तो आपका 89,000 रुपीज़ के, 1,89,000 रुपीज़ के आसपास मार्जिन लगेगा। शॉर्ट स्ट्रैंगल बनाते हैं आप, शॉर्ट स्ट्रैंगल का मतलब ये होता है कि आप दोनों ओटीएम की कॉल और ओटीएम के पुट सेल कर रहे हैं,
तो उसमें जहाँ 1,86,000 लगता था, ये नेकेड सेलिंग की बात हो रही है पूरी, है ना, वहाँ 1,68,000 में आपका काम हो जाएगा। आयरन कंडोर, इसके बारे में सबसे ज़्यादा लोग पूछते हैं, तो निफ्टी के आयरन कंडोर में जिसमें 94,000 लगता था, अब वहाँ पे 71,000 में आपका निफ्टी में आयरन कंडोर बन जाएगा। ठीक है, तो इतना ही है बताने के लिए। तो नए मार्जिन रूल में अब स्ट्रेटेजी बिल्डर्स में फ़ायदा हो गया है, पर इंट्राडे में थोड़ा नुकसान हो रहा है। और बता दूं कि 1 सितंबर से इंट्राडे में मार्जिन पूरी ख़त्म हो जाएगी, और कैश में सिर्फ आपको मिलेगा वो भी 5 टाइम्स, इससे ज़्यादा आपको मार्जिन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू।